इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल से। बम धमाकों से दहला है काबुल। काबुल के दो स्कूलों में ब्लास्ट हुआ है। दो स्कूलों के ब्लास्ट में 25 बच्चों की मौत हो गई है और तो और एक जगह फिदाइन हमलावर ने खुद को उड़ा लिया है। ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल पर हमला हुआ है जिसमें 25 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हमला शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया है। ये धमाका काबुल के दश्त ए बरची इलाके में हुआ है। स्कूल पर 3 से 5 आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया है। ये सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है। काबुल के दो स्कूलों में ब्लास्ट हुआ है। 25 बच्चों की मौत हो गई है। धमाका काबुल के दश्त ए बरची इलाके में हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अब्दुल रहीम शाहिद हाई स्कूल पर 3 से 5 आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया है। उनमें से 2 ने बम विस्फोट किए हैं। जिस वक्त धमाका हुआ उस दौरान कई छात्र क्लास के अंदर थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि काबुल के पश्चिम में मुमताज ट्रेनिंग सेंटर के पास भी विस्फोट हुआ है। हमले में कम से कम वहां पर 5 लोग घायल हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल से, जहां 2 स्कूल में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के दौरान 25 बच्चों की मौत हो गई है। ट्रेनिंग सेंटर पर भी धमाका हुआ है और 25 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। अगर सूत्रों की माने तो हमला शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया है। ये धमाका काबुल के दश्त ए बरची इलाके में हुआ है। बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल से, जहां 2 स्कूलों में ब्लास्ट हुआ है, 25 बच्चों की मौत हो गई।